हाँ जी, क्या हाल चाल? अच्छा, मेरे से पता है, मेरे को बहुत मैसेजेस आते रहते हैं कि भैया घूम रहे हो, फिर रहे हो, है ना, ये सब कर रहे हो, डेली व्लॉगिंग की कोशिश कर रहे हो, बट जनरली सीन क्या है यार ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में? अगर हम आए और पढ़ाई वढ़ाई करें और या फिर अपना करियर चेंज करके यहाँ पे आए, कुछ सीन वीन है यहाँ पे करियर वरियर का कि नहीं? तो मैंने सोचा यार आज छुट्टी चल रही है आउटडोर स्टूडियो की, इस बारे में अपने कुछ बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो है हाउ टू एक्चुअली बिल्ड अ करियर इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड अकॉर्डिंग टू मी, माय ओपिनियन, योर्स ट्रूली। इस बारे में मैं तुम्हें एडवाइस क्यों दे सकता हूँ या फिर हाउ एम आई क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दिस? तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इंडिया में मैंने 4 साल पहले इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मैंने 2 साल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी उसमें काम किया, उसके बाद मैंने यहाँ आके मास्टर्स इन इंजीनियरिंग स्टडीज़ करी और मेरा स्पेशलाइजेशन था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। अभी मेरे को अराउंड 9 ईयर्स हो गए, 8-9 ईयर्स हो गए काम करते हुए, मल्टीपल जॉब्स मैंने स्विच भी करे हुए हैं, तो मेरे को आइडिया है। प्लस मेरा जो नेटवर्क है उसमें भी काफ़ी लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हैं, तो मेरे को स्लाइट आइडिया है। तो आई थिंक आई कैन प्रोवाइड यू विद सम वैल्यू विच कुड बी यूज़फुल। ठीक है, अब ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो इसी मेरे टाइप के लोगों के लिए है जो इंडिया में थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं या फिर बिल्कुल ही काम नहीं किया, मास्टर्स करने आ रहे हैं या फिर इवन ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ डायरेक्टेड टू देम। तो लेट स्टार्ट विद द जर्नी। ठीक है, तुमने इंडिया से अप्लाई किया, तुम्हारा स्टूडेंट वीज़ा आ गया है और भाई अब बैग्स वैग्स पैक हो गए हैं, आ रहे हो आप यूनिवर्सिटी में। तो मेरी पहली प्रो टिप तुम्हारे लिए ये होगी, होपफुली तुमने जो पूरा रिसर्च किया हुआ है कोर्स, तुमने देख लिया है कि भाई स्किल शॉर्टेज कहाँ है, मतलब जो नॉलेज गैप्स है कंट्री में वो कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, मैंने करा था कि मैं अपना करियर कंस्ट्रक्शन में कंटिन्यू करना चाहता था, तो मैंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ही वो देखे थे, कोर्सेज देखे थे। ठीक है, तुम्हारे लिए ऐसा हो सकता है कि तुम देख सकते हो कि भाई मैं अपना करियर स्विच कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी लाइन नई बना रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, तो उस हिसाब से भी तुम डिसाइड कर सकते हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी नर्सिंग बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, होटल मैनेजमेंट हैज़ ऑलवेज बिन गुड इन दिस कंट्री, तो उस हिसाब से तुम देख सकते हो। तो रिसर्च वेरी हैवीली कि जहाँ पे शॉर्टेज है, इससे तुम्हारी आगे की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, इसमें टिप नंबर 2 ये है, तुमने आके मान लो यहाँ पे एक मास्टर्स का कोर्स ले लिया, उसमें भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक सुपर स्पेशलाइज्ड। जब तुम करोगे ना, मान लो तुम सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो तुम देखना कि स्ट्रक्चर में शॉर्टेज है कि नहीं है, उससे तुम करोगे तो तुम्हें और फ़ायदा होगा। जैसे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मैं इस फील्ड में जाना चाहता था कंस्ट्रक्शन के। तो बी वेरी वेरी ओपन अबाउट दीज थिंग्स कि हैव अ प्लान अहेड, कि पहले से ही तुम्हें प्लान होना चाहिए कि मेरा ये करियर मेरे को यहाँ लेके जाना है। दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू। ठीक है, प्रो टिप ये है तीसरी, कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऑलवेज लुक टू एड वैल्यू टू योर प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं। जब तुम यहाँ पे पढ़ाई करने आओगे ना, तुम आधे से ज़्यादा लोग देखोगे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वही तुम्हारे साथ पढ़ने आ रहे हैं, बिकॉज दे आर एडिंग मोर स्किल्स। उनसे नेटवर्क करो बहुत हैविली, उनसे बोलो भाई कहाँ काम करते हो आप, आपके यहाँ कोई वैकेंसी है या फिर इज देयर अ रिसर्च प्रोजेक्ट आई कैन डू फॉर फ्री। ऐसे ही तुम्हारे जो प्रोफेसर्स हैं उनसे भी बात करो, सर जी आप कहाँ काम कर रहे हो, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे, मतलब कैन आई वर्क फॉर फ्री और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर जब तुम ये करोगे ना और कहीं तुम्हारा ये क्लिक हो गया, तो तुम्हारे CV में एक ऐड चीज़ होगी, ऑस्ट्रेलियन और कीवी एक्सपीरियंस। तुम इंडिया में चाहे जितना भी काम करके आ जाओ ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पे काइंड यू हैव टू रीस्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे दे वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि तुम इस कंट्री और इस वर्क एनवायरनमेंट, इनके वर्क एथिक्स के हिसाब से जानते हो चीज़ें कैसे रन करती हैं या नहीं रन करती हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ऐड सम कीवी एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट। तो अगर प्रोजेक्ट और प्रोफेसर ये वाली चीज़ें ना मिले ना भाई, जनरली सिंपल पार्ट टाइम कर लो। सिंपल पार्ट टाइम तुम एक सुपर मार्केट में या स्टॉकिंग शेल्फ्स, इवन दैट इज़ गुड। CV में तुम जाके लिख सकते हो कि भाई मैं यहाँ के लोकल सुपर मार्केट में, आई हैव टॉक टू लोकल पीपल, आई हैव सर्व्ड कस्टमर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ऑल्सो अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें थोड़ा पैसा मिलेगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, तो दैट इज़ गुड, राइट। नंबर 2 है तुम्हारी लीगल रिक्वायरमेंट। ये मुझे पहले बोलना चाहिए था बट मैं अभी बोल देता हूँ। एज अ स्टूडेंट जब तुम आओगे ना, तो तुम्हें 20 वर्क आवर्स मिलते हैं वीक में, विच यू आर लीगली अलाउड टू वर्क फॉर। तो उसमें तुम 20 आवर्स में ये वाले जो मैंने काम बोले वो ज़रूर 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 करना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, तुम ओपन वर्क वीज़ा पे आ जाओगे। ओपन वर्क वीज़ा ये होता है कि यू आर ओपन टू वर्क टू एनी वन फॉर एज मच एज यू वॉन्ट। जनरली वर्क वीक न्यूजीलैंड में 40 आवर्स का होता है, तो दे पे यू 40 आवर्स के हिसाब से, तो यू कैन गो टू दैट पाथ। ठीक है, गॉट इट। तो अब तुम्हारा शुरू हो गया फर्स्ट सेमेस्टर,
होपफुली तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई है, सीवीज तुम्हारे बढ़िया चल रहे हैं। अब तुम्हें जॉब ढूंढने के लिए मैं टिप दे देता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट है स्टूडेंट जॉब सर्च, ठीक है। स्टूडेंट जॉब सर्च में तुम अप्लाई करो, अपना सीवी बना के रखो और कोशिश करना इंडिया से कुछ ऐसी स्किल्स सीख के आओ कि तुम यहाँ पे इजीली जॉब तुम्हें मिल जाए। इवन फ्रीलांसिंग इज़ वेरी इजी यार, तुम एक फ़ोटोशॉप करके भी आ जाते हो ना, फोटोशॉप का भी कोर्स, या तुम्हें एडिटिंग आ गई प्रीमियर पे करनी, इवन दैट विल गिव यू सम मनी। तो कोशिश करना कुछ स्किल्स ऐड करके आओ, क्योंकि जब मैं आया था ना एज एन इंजीनियर, मुझे लगता था यार इंजीनियरिंग ही सब कुछ है, बहुत बढ़िया हमने सब आता है। ऐसा नहीं आया, मेरे को पार्ट टाइम करने के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट अगर तुम आते हो तो छोटी छोटी स्किल्स हैं यार, प्रीमियम प्रो सीख ले, ग्राफिक डिज़ाइन सीख लो, कॉपी राइटिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो, इट विल पे यू एंड विल एक्चुअली ऐड योर नेटवर्क, ठीक है। एक और टिप ये है कि जब तुमने नेटवर्क करना है तो तुम्हें लिंक्डइन पे लोगों को ऐड करते जाना है, बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट छोड़ के थोड़ा लिंक्डइन पे भी आ जाओ, देखो लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, पीपल आर वेरी ड्रिवन देयर, जो अपने जॉब्स में दे आर लाइकिंग व्हाट दे आर डूइंग, सो बी अ पार्ट ऑफ इट। मान लो तुम रिसर्च कर रहे हो, पुट योर रिसर्च इन कि ठीक है आई हैव रेड योर रिसर्च, दिस इज़ माई रिसर्च, दिस इज़ वॉट आई कैन डू फॉर यू, बी वेरी एक्टिव देयर। तो होपफुली बाई दिस टाइम यू हैव डेवलप्ड अ रियली सॉलिड नेटवर्क ऑफ पीपल हु आर नोइंग कि भाई दिस एक्स और वाई इज स्टडिंग देयर, ही इज़ वेरी एक्टिव एंड ही कैन एक्चुअली प्रोवाइड सम वैल्यू, सो पीपल माइट जस्ट अप्रोच यू ऐसे ही, है ना, ठीक है। अगर अप्रोच नहीं बनती है तो आते हैं हम रेगुलर तरीकों पे। रेगुलर तरीका है यहाँ पे seek.co.nz या फिर seek.com.au। सीक यहाँ की सबसे बड़ी वेबसाइट है जिस पे तुम जॉब ढूंढ सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम क्लासिफाई कर सकते हो अपने स्किल्स के हिसाब से, बी वेरी एक्टिव देयर, अच्छा सीवी बनाओ। सीवी के लिए एक टिप ये है कि बी वेरी क्रिस्प अबाउट योर सीवी। यहाँ पे इंडिया में जैसे लंबे लंबे सीवी बना रहे हैं ना, उसमें रामचरितमानस लिख रहे हैं, वो नहीं करना है अपने को, एकदम पिन प्रिसाइज। बाई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये आता है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, वेरी पिन प्रिसाइज। छोटे सीवी, यहाँ पे वन पेज सीवी चलते हैं, ठीक है। साथ में एक चीज़ होती है कवर लेटर, जिसमें तुम अपनी स्टोरी लिखते हो कि भाई इंडिया में था, ये किया, ये अचीवमेंट्स, यहाँ पे आया, ये कर रहा हूँ, आगे ये प्रोवाइड कर सकता हूँ डिज़ायर में, हो गया, ठीक है। अब तुम्हारी जर्नी यहाँ पे पहुँच गई कि मान लो तुम्हारे एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया, तुम सेकेंड या लास्ट सेमेस्टर में हो, लास्ट सेमेस्टर में तुम्हें करना होता है थीसिस या प्रोजेक्ट। ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी को यूज़ करके इंडस्ट्री में एक जगह बनाने की। तुम जाके किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को बोलो भाई यूनिवर्सिटी में मुझे प्रोजेक्ट करना है, आपके मेरे को आपका डाटा यूज़ करना है, या फिर आपके लिए मैं ये प्रॉब्लम देखना चाहता हूँ। यूजुअली पीपल आर वेरी वेरी हेल्पफुल, और तुम जनरली किसी के लिए कुछ करोगे ना, दे एंड अप गिविंग यू अ फुल टाइम जॉब एज वेल, कि आपने ये हमारे लिए किया था, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग फुल टाइम फॉर अस। तो दिस इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो। अगर ऐसा हो जाता है बहुत ही बढ़िया। इट इज़ ऑल्सो कि तुम्हारे यार कभी कभी लक मीट्स अपॉर्चुनिटी, बट यू ऑल्सो क्रिएट योर ओन लक जब यू आर बैंगिंग ऑन मोर डोर्स ना। तो बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अप्रोचिंग दीज पीपल कि मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे हो गया। अगर ये नहीं होता है और तुम एज अ स्टूडेंट वीज़ा तुम्हारा ख़त्म हो गया, अब तुम वर्क वीज़ा पे आ गए, आपने सबसे पहले लिंक्डइन पे जाना है जी, ओपन टू वर्क फुल वर्किंग राइट्स, और जो तुम्हारा नेटवर्क तुमने पीछे से बनाया है, हाँ जी ऐसा चल रहा है, ये करना चाहता हूँ, इन द मीनवाइल यू आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर ट्रेड मी और यू नो seek.com, ये सारी चीज़ों पे ये भी चल रहा है, तो यू विल एंड अप गेटिंग एटलीस्ट वन इंटरव्यू। आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आपने मास्टर्स अच्छे से कोर्स कर लिया है, नेटवर्क बनाया है, अच्छा सीवी है, यू एटलीस्ट गेट वन इंटरव्यू। इंटरव्यू जिस दिन तुम्हारा आ गया भाई, इंटरव्यू बहुत ही सिंपल चीज़ है, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दीज थिंग्स कि भाई दिस इज़ वॉट आई ब्रिंग ऑन द टेबल एंड दिस इज़ वॉट आई एम विलिंग टू डू फॉर यू एंड दिस इज़ हाउ मच आई वॉन्ट टू बी पेड, शुड बी वेरी सिंपल, राइट। और एक तुम्हारी दुविधा मैं हल कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आई हैवंट फाउंड कि बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो, पीपल बिलीव इन डाइवर्सिटी है। तो यहाँ की जो बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज आई डोंट नो, जो बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत ही एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हैं, दे टेक इट एज अ बैज ऑफ ऑनर कि भाई हमारे पास डाइवर्स इन्वायरमेंट है। और जनरली मैं तुम्हें बताऊंगा, इंडियंस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द एम्प्लॉयर, तो यू आर गुड देयर। सो इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, होपफुली विल बी इन गुड हैंड्स। और इसके बाद जो तुम्हारा करियर डेवलपमेंट प्रोग्रेशन है, इट कुड बी अनदर वीडियो, बट जनरली ऐसे ही चलता है, यही फीडबैक लूप करना है, अच्छा काम करो, ask for more, you don't ask, you don't get, and then go back again, ask for more, agar employer pe nahi ho raha, keep looking for jobs, keep looking for connections, keep going on LinkedIn, and keep adding, keep adding, keep adding. So this was the video today,
होपफुली दिस वॉज ऑफ सम वैल्यू. काफ़ी जनरल ओवरव्यू पे थी, बट अगर तुम्हें लगता है कि आई शुड टॉक बिट मोर अबाउट इट, वी कैन, बिकॉज अभी छुट्टियाँ चल रही हैं और आउटडोर स्टूडियो बन गया. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम.